दोस्तों आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल वॉल्यूम अप। और दोस्तों आज जो हम घर देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार लोकेशन के ऊपर है, जो कि जीरकपुर के अंदर है, जहां पर कनेक्टिविटी आपकी हर स्टेट के साथ है। और अगर चंडीगढ़ से आते हैं सिर्फ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। इसके अलावा चंडीगढ़ लुधियाना, माफ़ी चाहूँगा, चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे और सेकेंड आपकी जो है एयरपोर्ट रोड, दोनों से बहुत खूबसूरत कनेक्टिविटी है। आपकी सोसाइटी के ठीक सामने 100 एकड़ का पार्क आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसका मतलब एक अच्छी ग्रीनरी आपको आसपास मिल जाएगी। कोई पॉल्यूशन नहीं है इस तरफ, कोई हॉस पॉच पिंपी पोंपों कुछ नहीं आपको सुनाई देती। यहाँ पर सिटी के साथ भी है और एक अच्छी लोकेशन भी है और बजट के अंदर भी है। दोस्तों सोसाइटी जो हमारी रहेगी 3.5 एकड़ की रहेगी, प्रॉपर गेटेड रहेगी, सिक्योर्ड रहेगी। क्लब हाउस आपको प्रॉपर मिलेगा, स्ट्रीट पे आपको पार्किंग मिलेगी और घर हमारे वाकई बड़े बेहतरीन रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और मज़े लीजिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर में और शानदार सा हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि 8 फीट की हाइट का है, और उससे भी कहीं ज़्यादा शानदार हमारा आज का ड्राइंग और डाइनिंग एरिया जो कि 20x10 का रहेगा, 20x11 का। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, काफ़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर, और आप देखते ही समझ गए होंगे आपका ड्राइंग और डाइनिंग दोनों ही काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ है। यहाँ पर ईजिली आप वॉक थ्रू कर सकते हैं अपने ड्राइंग से किसी भी बेडरूम की तरफ या किचन की तरफ, तो कोई चीज़ भी आपके पैरों में कहीं पर फंसने वाली नहीं है। प्रॉपर आपका 5 सीटर यहाँ पर लगा है, उसके साथ हमने एक चेयर अलग से लगा दी है, और इवन देन हमारे पास स्पेस बहुत अच्छी है। और अगर थोड़ा सा मैं इस तरफ देखता हूँ तो हमारे पास जो हमारा 4 सीटर जो है डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगाया है, और देखिए इसके बाद भी आप इजीली इधर से उधर आप वॉक कर सकते हैं। तो मतलब कि स्पेस जो आपके घर के अंदर आपको मिल रही है वो पूरी मिलेगी आज। और थोड़ा सा आगे आते हैं हम इस तरफ तो हमारे पास हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनको लगता है कि हमारे गेस्ट उनके लिए कॉमन वॉशरूम चाहिए, तो ये आपके लिए कॉमन वॉशरूम। बहुत ही खूबसूरत से कलर्स है, एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किया गया लाइट और डार्क ग्रे का। फ्लोरिंग आपके सारी बैटरी फाइड डबल चार्ज टाइल्स की रात रहेगी यहाँ पर, और जितनी भी फिटिंग्स यहाँ पर रहेंगी सारी जैगवार की रहेंगी, एक अच्छे ब्रांड के साथ एक अच्छा भरोसा आपको पूरा मिलेगा यहाँ पर, और वो भी बिल्कुल बजट के अंदर। और ठीक इस तरफ जो है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि 13x10 का रहेगा, 13x10 एक अच्छा साइज होता है। आप बेड लगाइए, बेड के साथ सामने आप अगर कुछ रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, जैसे कि हमने एक टीवी का टेबल रखा हुआ है। अगर आपको लगता है टीवी पैनल लगाना है या टेबल रखना है छोटा मोटा, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। प्रॉपर हमारे पास स्पेस में यहाँ पर आपके जो वार्डरोब्स हैं वो पूरी आ जाएंगी। बहुत से घरों में हमने देखा जब वार्डरोब आप रख देते हैं उसके बाद चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो स्पेस है वो पूरी प्रॉपर रहेगी। एक अच्छी स्टोरेज के साथ आपको सारी की सारी वार्डरोब्स यहाँ पर मिलने वाली हैं। सारी की सारी डबल लेमिनेशन रहेगी यहाँ से वहां तक, नीचे आपको शू रैक आपको पूरा मिल जाता है। काफी अच्छी स्पेस है जो पूरी प्रॉपर यूटिलाइज की गई है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, आपको एक बड़ी सी खिड़की यहाँ पर मिल जाती है, ताकि आप जो है मॉर्निंग्स और इवनिंग्स के अंदर जितनी भी लाइट है वो पूरी घर के अंदर आए। बहुत ज़रूरी होता है वास्तु के हिसाब से, अगर सनलाइट आपके घर के अंदर आती है तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर रहती है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ अपने घर के अंदर पूरी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बेडरूम के अंदर इतनी लाइट है, आपके हर बेडरूम के अंदर आपको पूरी प्रॉपर लाइट यहाँ पर मिलेगी, और पूरा अच्छा एक वेंटिलेशन आपको पूरा मिलने वाला है। दोस्तों ठीक है, इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि अगेन 13x10 का रहेगा, और जहां पर फ्लोरिंग आपकी सारी की सारी वुडन रहेगी। एक प्रीमियम लुक के साथ आपको ये बेडरूम पूरा मिल जाता है। और मास्टर बेडरूम की एक खास चीज और है, यहाँ पर आपको जो है विंडोज वो दो दो मिल जाती हैं, ताकि आपके घर के अंदर लाइट है या मास्टर बेडरूम की लाइट है वो पूरी अच्छे से आए, एक ठीक उस तरफ से और दूसरी इस तरफ से। और दोस्तों ये वाली विंडो भी है जो आपकी, वो एक बालकनी के साथ रनिंग बालकनी के साथ अटैच है, जो कि 15 फीट की रहेगी, और ये उसी बालकनी के साथ अटैच है जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखी है। और दोस्तों ये ग्राउंड फ्लोर पे है तो भी हमें यहाँ पर बालकनी मिल रही है, और इसके अलावा ऊपर 5 फ्लोर और है, अगर आप वहाँ पर भी जाएंगे तब भी आपको एक अच्छी सी बालकनी यहाँ पूरी मिलती है। प्रॉपर आपको पार्किंग मिलेगी यहाँ पर, एक अच्छे से गार्डन मिल जाएंगे, पावर बैकअप, क्लब हाउस, जिमनेजियम, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ठीक इस तरफ आपका जो है वॉशरूम मिल जाएगा आपको अटैच,
बहुत ही खूबसूरत से कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं टाइल्स के ऊपर, एक अच्छी प्रीमियम लुक आपको मिल जाती है, वो भी एक बजट के अंदर। एक खास चीज़ है ये टाइल्स आपकी सीलिंग की हाइट तक जाती है और जैगवार का भरोसा आपको यहाँ पर पूरा मिलता है एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक इस तरफ हमारा जो रहेगा किड्स बेडरूम, जो कि 10x10 का रहेगा, जो कि एक अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन किया है यहाँ पर आपके लिए खास, जहाँ पे हमने डबल डेकर एक बेड लगा दिया है और उसके साथ हमने एक स्टडी टेबल भी यहाँ पर दे दिया है। दोस्तों डिज़ाइन ये आप पर होता है कि आप कैसे अपना घर डिज़ाइन करना चाहते हैं, स्पेस है उसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर भी आपको एक अच्छे से विंडो मिल जाती है और विंडो के साथ हमारे पास जो है आपके लिए एक वार्डरोब, जो कि डबल लेमिनेशन के साथ है, एक अच्छे साइज के साथ है, इजीली आपकी जो स्टोरेज है वो ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। प्रॉपर आपको एक छोटा सा लॉकर यहां मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी वैल्यूएबल थिंग्स जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने ड्राइंग एरिया की तरफ। हमने कई चक्कर लगाए अभी तक, यहाँ कहीं पे भी कहीं फंसे नहीं है क्योंकि हमारे पास स्पेस ही बहुत अच्छी है। और दोस्तों यहाँ पर ठीक हमारा जो रहेगा किचन रहेगा, जो कि 9x7 का रहेगा, एक अच्छा साइज होता है 9x7, और हमें यहाँ पर यू शेप के अंदर हमारी जो किचन पूरी मिल जाती है। डबल लेमिनेशन आपकी सारी सिंक किचन रहने वाली है यहाँ पर। यहाँ काउंटर टॉप आपका जो रहेगा सारा ग्रेनाइट का रहेगा। उसके अलावा आपके जो ड्रॉर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी अच्छे साइज के साथ, अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पर ड्रॉर मिल जाते हैं, ताकि जितने भी आपके जार्स हैं वो पूरे प्रॉपर यहाँ पर रहें, आपको किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। ये आपने कॉर्नर्स को भी एक अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपके कॉर्नर्स ऐसे ही रह जाते हैं। नीचे आपके पास स्टोरेज काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। प्रॉपर आपको एक सिंक मिल जाता है, आरओ का पॉइंट, गीजर का पॉइंट, और प्रॉपर हमने आपके लिए एक फ्रिज रख दिया है, ताकि आपको एक आइडिया अच्छे से हो जाए क्योंकि आपके किचन के अंदर स्पेस कैसी है। तो एक एक्चुअल स्पेस आपको यहाँ पूरी मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी किचन के साथ एक आपको यूटिलिटी बालकनी यहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर इजीली आप अपनी वॉशिंग मशीन रख के उसे यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग का एरिया पूरा आपको प्रॉपर यहाँ मिल जाएगा पावर पॉइंट और टैप्स के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर, जो कि 3 BHK 1350 square feet के अंदर बना हुआ है, और जहाँ पर 2 लिफ्ट्स आपको मिल जाती हैं, स्टेयरकेस आपको मिल जाता है, एक अच्छी प्रॉपर गेटेड सिक्योर्ड सोसाइटी आपको मिल जाती है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए। और दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ, सत श्री अकाल।